और इनके मन में सोचिए कितनी बड़ी मतलब श्रद्धा है कि इन्होंने 108 किलोमीटर की दूरी जो है वो दंड देते हुए, यानी कि हर दोस्तों ये देखिए मेरे यहाँ पे ये फूल दिखाई दे रहा है। ये पूजा करने के बाद जो है यहाँ पे बाबा लोग आशीर्वाद के रूप में ये फूल देते हैं। हे दोस्तों, आप सबों का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। अभी मैं बाबा धाम यात्रा में आप सबों को बताने वाला हूं कि यहां पर बाबा धाम के मंदिर और माँ पार्वती के मंदिर के अलावे और पूरे परिसर में कितने मंदिर हैं, सभी मंदिरों की क्या विशेषता है। और यहां पे प्रांगण में आज विशेष सोमवार का दिन है, यहां श्रद्धालु आते हैं अपनी मनोकामना पूरी होने के तत्पश्चात यहां पे जो कार्य चल रहा होता है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं डिटेल में अच्छे से। यहाँ पे जो लाल झंडी दिखाई दे रही है आपको, लाल फीता, ये वही फीता है जो बाबा और माँ पार्वती के बीच में बंधा हुआ था। ये यहाँ पे बहुत सारा घंटा लगा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हो। जय हो, जय हो, हर हर महादेव। बम बम भोले, जय भोले बाबा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रांगण में गाजे बाजे का कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ राम भक्ति हो रही है और हारमोनियम पे एक मनोरम दृश्य यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। जय सूर्य नारायण, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम आदि देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, जय सूर्य देव। अगर आप सबों ने इस बाबा धाम यात्रा का पहला पार्ट नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहां पे जरूर चेकआउट करिए। आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी कि कैसे यहाँ पे आते हैं और कैसे पूजा पाठ का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। ये आप दोस्तों कतार देख सकते हो, यहाँ पे कितनी लंबी लाइन है, लोग 4-5 घंटे लगाते हैं यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए, मगर और बहुत दूर दूर से आते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, उनसे बात करने के बाद ही पता चल सकेगा। और आप देख सकते हो इतनी लंबी कतार है, देख सकते हैं बाबा, बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के अंदर इतनी श्रद्धा है कि वो 5-5 घंटे कतार में खड़े होकर दर्शन करके घर जाते हैं, क्योंकि यहाँ आने का मकसद ही यही है। जय हो बाबा हनुमान जी। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्ण रघुवर विमल यशु योदायक फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बोधि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, जय बजरंग बली। हे कलयुग देवता बजरंग बली, आपका दरबार हमेशा बुलंद रहे बाबा, और आपकी जो है आशीर्वाद सब पर बनी रहे, आपकी श्रद्धा, आपकी कृपा, आपकी दया सभी जनों पर एक समान बनी रहे। भैरवनाथ जी का मंदिर है, भैरव बाबा का मंदिर है, यहीं से प्रणाम करता हूँ मैं बाबा को। और ये दोस्तों माँ संध्या का दरबार है दोस्तों, ओ
ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि शंप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा ओम हर। आप यहाँ पे देख सकते हैं मुंडन कार्यक्रम के दौरान जो है ये बच्चे कितने खुशी खुश दिखाई दे रहे हैं। जय महादेव, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, ओम श्री गणेशाय नमः। मान पूर्णा मंदिर है ये दोस्तों। जय हो, जय हो, जय हो, सभी का घर झोली से भर दीजिए माँ। आपके दरबार में आने वाला मां अन्नपूर्णा, कभी भी कोई अपने घर में कोई गरीब भूखा ना सोए माँ, सबको जो है अपने झोली से भर दीजिए और सबको कृपा दीजिए ताकि पूरे भारत की जनता जो है पूरे भारतवर्ष पूरे विश्व में सुख शांति की स्थापना होने में। जय मां अन्नपूर्णा, जय बाबा। कपूर तो बुझ जा रहा है बाबा। जय हो, जय हो, जय हो। ये भैया जी कपूर जलाते हुए बाबा के दरबार। बाबा के दरबार में कपूर जो है यहाँ की तेज हवा के कारण बार बार बुझ जा रहा है जी। भी आपका नाम जान सकते हैं? विक्रम कुमार सिंह है। विक्रम कुमार सिंह जी, जी आप यहाँ पे कितने देर तक सेवा करते हैं? पाँच साल से हैं। और कितना समय देते हैं यहाँ पे दिन में? 24 घंटे में 8 घंटा, 8-10 घंटा आप अपना समय देते हैं। ये क्या क्या सामग्री आप रखते हैं यहाँ पे? गणपति है, कपूर है, सिंदूर, प्रसादी नाची और प्रसाद मिलेगा। जो लाल डोरी पवित्र रिश्ते का प्रतीक मानी जाती है, यहाँ पे देखिए पुजारी गण की सहायता से वो डोरी बांधी जा रही है आपके सामने। जो आप टॉप पे देख रहे हैं दोस्तों, ये बिल्कुल सोने का बना हुआ है, लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर के समीप है दोस्तों। जय महालक्ष्मी। जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी, महालक्ष्मी मैया आपका दरबार बुलंद रहे माँ। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम लक्ष्मी नमः। आप बाबा के प्रांगण में नंदी देव को भी देख सकते हैं, साक्षात नंदी देव यहाँ पे चुपचाप खड़े जो है। नंदी देव कितने आकर्षक दिखाई दे रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मुंडन का कार्यक्रम चल रहा है। आपका नाम क्या हुआ? कौन से बाबा हैं आप? कौन से बाबा हैं आपका? बाबा कमला प्रसाद बाबा। एक फोटो बाबा के साथ हो गया। नंदी बाबा का दरबार है। जय करो, जय करो, जय करो, जय करो, जय हो, जय हो, जय हो। आप यहाँ कब से बाबा? हाँ बाबा, दंडी बाबा। अच्छा आप दंडी बाबा हैं। अच्छा सुल्तानगंज से आप क्या कर रहे हैं? दंड पर नाम से क्या है? सुल्तानगंज से
अरे वाह, बहुत अच्छा दोस्तों। श्रद्धालु आप देख सकते हैं, ये जो बाबा हैं भक्त हैं, और इन्होंने सुल्तानगंज से जो है अपना वो दंड करते हुए यहाँ तक का यात्रा तय किया है। आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं सुल्तानगंज से यहाँ पहुँचने के लिए 108 किलोमीटर की दूरी है। समस्तीपुर जिला इनका घर हुआ। इनका आपका नाम? रोहित कुमार जी हैं। और इनके मन में सोचिए कितनी बड़ी मतलब श्रद्धा है कि इन्होंने 108 किलोमीटर की दूरी जो है वो दंड देते हुए, यानी कि हर स्टेप पे सो के और ऐसे अपने प्रणाम करते हुए एक एक स्टेप पे आना होता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि कितना समय लगा आपको? एक महीना। इसका मतलब आपने कितने तारीख को यात्रा शुरू की थी? 9 तारीख को, यानी 9 फरवरी। 9 फरवरी को इन्होंने यात्रा शुरू की और अब जाके आज यहाँ पहुँचे। आज सोमवार के दिन जो है बहुत ही शुभ समय में इन्होंने अपना ये यात्रा पूरा किया, समाप्त किया। और एक महीने तक खाना पीना का क्या नियम रहता है? पूरा फलहाल, एक महीना तक पूरा फलहाल रहते हैं। एक महीने तक पूरा फलहाल ही रहता है। और दोस्तों, पूरे फलहाली करके एक महीने तक इन्होंने पूरा कैसे, कुछ बताइए कि आप आज मन का जो मुराद है वो नहीं बताइए, क्योंकि वो अपना प्रश्न होता है भगवान और भक्त के बीच का बात है। मैं आपसे बस यही जानना चाहता हूँ कि आपके मन में ये श्रद्धा कैसे जागी और आपने किसी से इंस्पायर हुए या खुद से, मतलब आप ये कार्य, ये मशीन में इनका हाथ कट गया? अच्छा, बेंगलोर में नौकरी कर रहे थे और इनका, अच्छा उसमें कोई कंपनी वाले कुछ नहीं थे, काम से भी इनको निकाल दिए। तो फिर आप बाबा के सामने आए और आपने 4 फरवरी से लेके आज तक इतना समय आपने यहाँ पे दिया और इन्होंने जो है यात्रा तय की है। तो दोस्तों देखिए, बाबा के दरबार में ऐसे ऐसे भक्त हैं। अगर कोई मन में सोचता है कि मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूँ तो ये बहुत बिल्कुल गलत सोच है, क्योंकि यहाँ तो भाई भक्तों की कतार है। यहाँ भी बहुत तगड़ा कॉम्पिटिशन है बाबा के दरबार में, और एक से एक यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचते हैं और आपको देखने को मिलते हैं। तो मैंने इनसे आपका परिचय करवाया। आशा करता हूँ आप लोग भी बाबा के भक्ति के बारे में कुछ जान पाए होंगे। दोस्तों और कुछ कहना चाहेंगे? जय भोले, बम बम भोले। तो पंडा बाबा से बातचीत कर मुझे बहुत ही आनंद महसूस हो रहा है। एंड बाबा लोग जो हैं, बहुत सारे उनके जो विचार हैं, उनका जो एक्सपीरियंस और तजुर्बा है, वो सुनकर मैं काफ़ी अचंभित और काफ़ी उत्साहित था। पूजा पाठ कंप्लीट करने के उपरांत मैं बाबा जी के साथ इस विशेष स्थान पर आया हूँ। बाबा जी ने बताया कि यहाँ की चाय बहुत अच्छी है, तो मैंने कहा चलिए बाबा जी पीते हैं। और पंडा बाबा और हम दोनों बैठकर चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं। दोस्तों काफ़ी गर्म चाय थी, बट इसका टेस्ट बहुत ही अति उत्तम था, बहुत ही मज़ा आया। आप सब भी आइएगा तो ज़रूर यहाँ पे एक बार चाय टेस्ट करिएगा। बाबा धाम यात्रा का ये सेकेंड पार्ट मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। और मुझे अभी आप लोगों को यहाँ का जो शॉपिंग एरिया है, जहाँ पे शॉपिंग होती है, आप यहाँ पे श्रृंगार जैसे पूजा पाठ के जितने भी मंदिर के आपके सामान होते हैं घरों में ले जाने के लिए, वो यहाँ पर आपको आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। मैं आपको पूरा मार्केट घुमाने वाला हूँ मित्रों, और स्पेशल एक शिवगंगा जो है, जहाँ पे स्नान करने के बाद यहाँ पर लोग पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, वो स्थान भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कितना पवित्र स्थान है और कितना मनोरम है। तो आप सबों का वीडियो में बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।